बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 2 समर 2024 को कम्प्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 19 सितंबर है, लेकिन आप इसको 20 सितंबर को भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स के 10 हैं। बहुत ही आसान ईजी असाइनमेंट है। आपने इस असाइनमेंट को MS वर्ड के फाइल के अंदर सबमिट करवाना है, मतलब डॉक या डॉक्स फॉर्मेट के अंदर। बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको लाइव सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद आपने इसको MS वर्ड के ऊपर सबमिट करवा दीजिएगा, MS वर्ड की फाइल। अब यहाँ पे दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आपको डाटा वर्ड्स गिवन है, आपने यहाँ पे कोड वर्ड्स फाइंड करने हैं। और यहाँ पे जो पैरिटी स्कीम दी गई है वो ओड पैरिटी है। ओड पैरिटी का मतलब होता है कि जो आप कोड वर्ड दोगे ना, मतलब जो आप कोड वर्ड होगा उसमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो अगर तो ऑड में है तो आपके कोड वर्ड के अंदर जो लास्ट पैरिटी बिट होगी वो ज़ीरो होगी, और अगर आपका जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन है तो फिर आपकी लास्ट वाली पैरिटी बिट क्या होगी, वन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसका आसान तरीका बोला गया, सबसे पहले आप इस पूरे डाटा वर्ड्स को ऐसे सेलेक्ट करो, सारे के सारे कंट्रोल सी से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये तमाम के तमाम ये जो खाली बॉक्सेस हैं कोड वर्ड वाले, इनको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। बेसिकली क्या होगा कि ये सारे डाटा वर्ड्स जो हैं सेम एज इट इज़ कोड वर्ड में पेस्ट हो गए। अब आप सोचोगे यार ये आपने क्या किया, ये सेम आपने डाटा वर्ड उठाकर कोड वर्ड में पेस्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों यही असल में आपका आंसर है, सिर्फ थोड़ी सी लास्ट पे चेंजिंग करनी है। बताऊँ कहाँ पे चेंजिंग होनी है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। देखें सबसे पहले आपने सेम वही क्वेश्चन जो आपको डाटा वर्ड्स गिवन था वही आपने उसके सामने कोड वर्ड में लिख दिया। ये देखें यही सेम वैल्यू यहाँ पे, यही सेम वैल्यू यहाँ पे, यही सेम वैल्यू यहाँ पे, यही सेम वैल्यू यहाँ पे। अब आपने दोस्तों सबसे पहले कोड वर्ड को देखें और इसमें गिने आपके नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको, इसमें नंबर ऑफ वंस हैं 1, 2, 3 है। तो 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर होता है या इवन होता है? 3 इज़ अ ऑड नंबर, लिहाजा यहाँ पे नंबर ऑफ जो वंस हैं वो ऑड हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो यहाँ पे आपने लास्ट पे ना 0 बिट ऐड कर देनी है। 0 बिट, 0 लास्ट वाली बिट बेसिकली आपकी पैरिटी बिट होती है कोड वर्ड के अंदर। लास्ट वाली बिट एज ए पैरिटी बिट यूज़ होती है। तो यहाँ पैरिटी बिट 0 क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या थे, ऑड थे। अब इस तरह इसमें भी देखें, इसमें भी नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1, 2, 3 हैं। तो यानी 3 यानी नंबर ऑफ वंस 3 मीन ऑड, यानी नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो यहाँ पे लास्ट पे पैरिटी बिट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पैरिटी स्कीम ऑड सेट है। तो यही उसने बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो पैरिटी बिट 0 आएगी, अगर इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो पैरिटी बिट 1 आएगी। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 1, 2, 3, 4, यानी नंबर ऑफ वंस इवन है। तो यहाँ पे लास्ट पे पैरिटी बिट 1 आएगी। अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वंस 1, 2 है, तो 2 इज़ अ इवन नंबर, तो यहाँ पे पैरिटी बिट क्या आएगी, 1 आएगी। अब इसमें भी नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है, तो यहाँ भी पैरिटी बिट 1 आएगी। चलें ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको बेसिकली ना इस तरह गिवन नहीं था, मैंने आपको ये बेसिकली मैंने आसानी के लिए ऐसे किया। ये बेसिकली आपको ऐसे गिवन था, ऐसे ये आपकी पहली पेयर था, मतलब आपके वर्ड्स के अंदर ये पहला पेयर था, इस तरह से ये आपको क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। मैंने बेसिकली अपनी आसानी के लिए ऐसे किया कि मैंने ये ब्रैकेट हटाई हैं, या आपने ब्रैकेट नहीं हटानी, मैंने बेसिकली आपको समझाने के लिए ऐसे किया, आपको ऐसे ईजिली समझ आएगी, ठीक है। ये देखो ज़रा, अब मैंने देखो इस पहले जो पेयर था उसके नीचे दूसरे पेयर को बिल्कुल उसके नीचे एडजस्ट कर दिया, ताकि यहाँ पे ना हमें फ़र्क देखने में अच्छे समझ आए। अब दोस्तों यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हैमिंग डिस्टेंस दोस्तों ये होता है कि जो भी आपको पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन है ना उनमें डिफरेंट बिट्स ढूंढते हैं कितनी हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहली बिट इस पेयर की पहली बिट और इस पेयर की पहली बिट क्या है, 1 है। तो यहाँ पर 1, 1 सेम बिट है, ये 0 है, ये 1 है, एक डिफरेंट बिट ढूंढ गई है, ढूंढ लिया हमने। उसके बाद ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो मतलब हमें इन दोनों पेयर्स के अंदर जो डिफरेंट बिट मिली हैं वो ओनली 1 मिली है। तो मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया हमारा हैमिंग डिस्टेंस कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों पेयर्स के अंदर सिर्फ एक ही बिट डिफरेंट है, बाकी सारी बिट सेम है। अब इसी तरह इसमें भी देखें कि आपकी कितनी नंबर ऑफ इन दोनों पेयर्स में कितनी नंबर ऑफ बिट जो है वो डिफरेंट है। तो हम देखें यहाँ पर 1 है पहली बिट और इसकी पहली बिट 0 है, तो यानी एक डिफरेंट बिट मिल गई। उसके बाद ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है, ये 1 है, यानी दो डिफरेंट बिट हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हैमिंग डिस्टेंस। ऐसे ही बेसिकली हमने डिफरेंट बिट्स ढूंढनी होती हैं, तो जितनी डिफरेंट बिट्स मिलती हैं पेयर्स के अंदर वो बेसिकली हमारा हैमिंग डिस्टेंस होता है।
अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये जीरो, ये वन, एक एक डिफरेंट बिट मिल गई है। उसके बाद ये भी जीरो, ये भी जीरो, ओके यहाँ पे आंसर आ गया वन। अब यहाँ देखें जी, जीरो ये इसकी पहली बिट जीरो और इसकी पहली बिट वन, यानी एक डिफरेंट बिट मिल गई। उसके बाद ये भी वन, ये भी वन, जीरो जीरो वन वन, जीरो जीरो वन वन, ठीक है एक डिफरेंट बिट थी तो वन आ गई यहाँ पे। उसके बाद इसमें ये पूछ रहा है कि आपका मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना है। दोस्तों मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जो आपने ये हैमिंग डिस्टेंस फाइंड की है इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है वन, तो यहाँ पर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा, वन होगा, तो यहाँ पर आपने लिख दिया वन। ले जनाब ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर था क्या, वन टू वन वन वन। चलें जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफ।